दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, यूपी पुलिस भर्ती 2023 पर। दोस्त अगर देखा जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में लगातार आप पूछते रहते हैं कि आखिरकार भर्ती का प्रोसेस कब से शुरू होगा, और यहाँ आपके बीच में पदों का विवरण दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं 35,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी, इसमें क्या कुछ कैसे हैं बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और उसके नीचे देख पा रहे हैं परीक्षा एजेंसी का हुआ चयन। आप सभी को पता है कि परीक्षा एजेंसियां जो भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती कराने के लिए हैं वो सभी इस भर्ती प्रक्रिया से कतरा रही हैं। लोगों का एक अगर देखा जाए तो नकल माफियाओं का डर सता रहा है। आपने देखा है कि कोई भी भर्ती परीक्षा हो रही है वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर से परीक्षा लीक हो जा रही है, तो जो भी एजेंसियां हैं इस काम को करने से डर रही हैं। तो बिल्कुल इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की बातें आपके बीच में कही जा रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और उम्र में मिलेगी 3 वर्ष की वरीयता, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 35,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन की बातें जो आपसे कही जा रही हैं। अगर देखा जाए विभिन्न तरह के थंबनेल आपके बीच में लगाकर डाले जा रहे हैं कि फलाने ने बताया, ठिकाने ने बताया, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं 35,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अभी ऐसी कोई भी संभावनाएं नहीं है जब तक परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो जाता। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, हम आपसे कहना चाहेंगे जब तक परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है तब तक आपके नोटिफिकेशन की बातें पूरी तरह से निराधार हो रही हैं, ठीक है। कोई भी अगर इस तरह की बातें आपके बीच में डाल रहा है, और अगर देखा जाए लगभग परीक्षा एजेंसी के चयन में 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। हमने आपको पहले भी बताया था, एक दिन पेपर कटिंग भी आपके बीच में वायरल की जा रही थी परीक्षा एजेंसी को लेकर, तो उस टाइम भी हमने आपको एकदम कन्फर्म बता दिया था कि कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा। कहीं भी कोई नोटिफिकेशन आपके बीच में नहीं जारी किया गया है, कोई भी एजेंसी का चयन नहीं किया गया है। हम आपसे कहना चाहेंगे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद कभी भी आपको बरगलाने का काम नहीं करता है, बिल्कुल जो भी फैक्ट चीजें होती हैं आपको उसी चीजों से रूबरू कराया जाता है। यहां जो 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की बातें आपसे कही जा रही हैं ये भी पूरी तरह से निराधार है, ठीक है भैया। जब तक परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं होगा तब तक जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा, और ऑनलाइन आवेदन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहां जो उम्र में वरीयता की बातें कही जा रही हैं इसमें सच्चाई जरूर है, ठीक है, क्योंकि अगर एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं में 3 से 4 वर्ष की वरीयता आपको मिल सकती है तो जाहिर सी बात है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में भी 3-4 वर्ष तो नहीं कहेंगे लेकिन 2 से 3 वर्ष की जो वरीयता है आपको मिलने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन अभी इतना मैं आपसे कहूंगा कि सिर्फ संभावना मात्र जाहिर किया जा रहा है, संभावना इस वजह से कही जा रही है क्योंकि अगर एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं में, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ऐसी परीक्षाओं में आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो जाहिर सी बात है इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी आपको छूट मिलने की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट्स। जो लोग 35,000, अच्छा यहां 35,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन आएगा लेकिन 35,000 आएगा जरूर, आपके इस भर्ती का प्रोसेस जो भी है इस वर्ष के यानी 2023 के अंत तक जो है पूरी तरह से फिनिश होने की संभावनाएं हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे भैया इतनी भर्ती क्यों विलंब की जा रही है, हमने आपको पहले ही एकदम फैक्ट चीजों से रूबरू कराया था कि 2024 के चुनाव को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए इस भर्ती परीक्षा में जो 35,000 पदों पर आपकी निकाली जाएगी इसमें लगभग जो है यह मानकर चलिएगा कि 25 लाख से ऊपर अभ्यर्थी को पार्टिसिपेट करने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।